अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, बजट में लगने वाले टैक्सेस, अदालतों में चलने वाले केसेस और मंजरेआम पर आने वाले सियासी फेसेस आने वाले चंद महीनों में मुल्की सियासत को यकसर बदल कर रख देंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद, हुकूमत का मुफाद और इदारों का टकराव सियासी मंजरनामे में बड़ी परेशानी को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुफाहमत, एमक्यूएम की सियासत और नून लीग की मसलहत ओहदों और वजारतों की तकसीम में किसी चपकलिश को जन्म दे सकती है। और बिजली की लोड शेडिंग, गैस का बहरान और पेट्रोलियम लेवी पर लगने वाला टैक्स आवाम के समुंदर को सड़कों पर ला सकता है। यानी आने वाले चंद महीनों में अदलिया में होने वाले केसेस के फैसले और बजट में लगने वाले टैक्सेस आवाम में किसी भौचाल के उठने का सबब बन सकते हैं। हुकूमती इत्तेहादी अभी से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की दुहाइयां दे रहे हैं, चार्टर ऑफ डिमांड पर पूरा उतरने की याद दिला रहे हैं और कमेटी कमेटी खेलना बंद करने का तकाजा कर रहे हैं। हुकूमत कभी आवाम के रिलीफ का सोचती है, कभी आईएमएफ डिमांड पूरी करती है तो कभी इत्तेहादियों को राम करने की कोशिश करती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि हुकूमत जो कुछ कर रही है ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में अजनबी लगेंगे, हुकूमत के साथ ही अच्छे लगते हैं। एमक्यूएम रिवायती बजट से तो नाला दिखाई देती है और पेट्रोलियम लेवी को भत्ता कहती है, मगर बजट पास कराने में हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम वाली अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान तो करती है मगर उस पर अमल करती दिखाई नहीं देती। महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ मार्च ना करने की पुरसरार खामोशी के पीछे भी कोई सबब है। शायद इस बार भी किसी एम्पायर की उंगली उठने का इंतज़ार है। तहरीक इंसाफ क़यादत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल से रिहा होने के लिए तो पुरुमीद दिखाई देती है, लेकिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक कोई धरना या फिर एहतजाज की कॉल देने से गुरेजा। महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप्स हैं, एक एहतजाज करने के लिए मुतहरक है तो दूसरा खामोशी को ही मसलहत समझता है। या फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के मौकफ के मुताबिक पीटीआई में उनके लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को हुकूमत के खिलाफ अमली तौर पर कुछ नहीं करने दे रहे, क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेर भी बातों का ढेर निकला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जिसने हल्फ उठाते ही इस्लामाबाद पर धावा बोलने, अपने लीडर को जेल से निकालने और विफाक को सूबों के फंड्स रिलीज करने और गवर्नर हाउस को ताला लगाने जैसी बड़कें मारी थी, वो अब ग्रिड स्टेशंस में जाकर बिजली का स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने और घंटों की काउंटिंग करने पर लगा रहे हैं। हुकूमत हो या ऑपोजिशन, सभी अवाम को लॉलीपॉप देने और अपनी मुद्दत पूरी करने के चक्कर में है। वो हुकूमत जो अवाम से वादा करके आई थी कि 200-300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो अब 50 रुपये फी यूनिट बिजली दे रही है। जो रोटी 5 रुपये और पेट्रोल 150 रुपये का याद दिलाती थी, आज बजट 2024 में जिस कदर टैक्सेस लगा चुकी है, चंद महीनों में अवाम की खाल उतारेगी तो समझ आ जाएगी। और रही पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की राम निहाद ऑपोजिशन तो ये पार्टी ओहदों और पार्लियामेंट लॉजिस के अलल्ले तलल्ले और एमएनएशिप के लिए अवाम के वोट और अवाम की ज़रूरियात को भुलाए बैठे हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन ना तो मुज़ाकरात के नाम पर हाथ मिलाते नज़र आते हैं और ना ही अवाम के लिए एक दूसरे को टफ टाइम देते दिखाई देते हैं। अवाम की खातिर, मुल्की इस्तेहकाम की खातिर और मुआशी तरक्की की खातिर सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज आना होगा, मगर मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा होता दिखाई नहीं देता। हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर कैसे लाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपने वक्त निकाला। बड़ी खुशाइन बात है कि सी पैक को लेकर जो पाकिस्तान और चीन के माबैन जो एक तावुन है उस पर
उस ताल्लुक पे आप लोग भी एक पेज पर हैं और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का मुस्बत रवैया। मुझे अली जफर साहब बताइएगा कि अभी कुछ बयानात पे मैं चाह रही हूँ कि गुफ्तगू कर लें बिफोर कमिंग टू दैट अदर पार्ट। इमरान खान साहब की जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है वो एक बार फिर उन्होंने थोड़ा सा जारहाना रवैया अपनाया है। उन्होंने मेंशन किया कि अडियाला में बैठे जनरल और मेजर को मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई मेरे पीछे हट जाने से मुल्क का फ़ायदा होता है तो मुझे मुतमिन करें, मैं पीछे हट जाऊँगा। अभी भी शायद लग रहा है कि इमरान खान साहब मूड में नहीं हैं चीज़ें ठीक करने के। देखें, उनका मौकफ कंसिस्टेंट है, कुल एक ही मौकफ रखा है उन्होंने, इसमें तब्दीली नहीं आई, ना आने का इम्कान नजर आ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि आपने अगर बातचीत करनी है किसी से भी, चाहे हुकूमत हो या कोई और हो, बातचीत करने के लिए दो तीन कंडीशंस हैं, वो पूरी की जाए तो फिर हम बात करेंगे, अगर कंडीशंस ही पूरी नहीं होनी तो बात करने का क्या फ़ायदा। और उन्होंने ये भी मौकफ इख्तियार किया है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर किस्म की सेक्रीफाइस करने की अगर कौम को इसका फ़ायदा होता है, लेकिन इस वक्त जिस चीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ, जिस मकसद के लिए मैं जेल में बैठा हूँ, वो मकसद ये है कि मैं एक हकीकी आज़ादी चाहता हूँ। कौम जाग गई है और कौम का जो हक है, उनका जो हक है कि इलेक्शन में जिसको भी उन्होंने मैंडेट दिया है वो पार्लियामेंट में आए, वो हक मैं पूरा करना है, मैंने उनका हक अदा करना है और मैं उसके लिए मैं अपनी जिद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर मैं किसी से बातचीत करूँगा तो वो उनकी जो मेरा प्रिंसिपल है उसके खिलाफ होगा। तो ये एक उनका थीम है और मेरा ख्याल है उस थीम पे बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई, वही उन्होंने आज दोबारा दोहराई है। और जहाँ तक उन्होंने ये इंडिकेट किया था, जो भी आपने जिक्र किया कि कर्नल को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो उन्होंने एक रेफरेंस दिया है जेल में, जो जेल का माहौल है उसमें इस तरह है कि वहाँ कैमरे भी लगे हैं, वहाँ माइक्स भी लगे हैं, तो आप अपने वकीलों के साथ भी बातचीत या गुफ्तगू नहीं कर सकते, जो एक कॉन्फिडेंशियल बातचीत होती है। तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये आईन के भी खिलाफ है कि बुनियादी हकूक जो हैं, और वो तो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हकूक क्या आम शख्स के भी जो बुनियादी हकूक हैं उसके ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप इस तरह वकीलों के साथ भी बातचीत ना करने दें और वो भी माइक और कैमरे के जरिए उसको मॉनिटर करें। लेकिन तो हम कुछ बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब के, इतना लंबा अरसा हो गया है, अली जफर साहब अब कुछ बेहतर तरीके से भी वो बयान कर सकते थे चीज़ें, क्योंकि चीज़ें बड़ी ट्रिगर कर जाती हैं, ये आपको मुझसे बेहतर पता है। देखिए, आज जिस तरह हमने, जिसका आपने जिक्र भी किया, जब हमें चाइनीज एम्बेसी की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई कि हम आज की सीपैक की जो मीटिंग है वो अटेंड करें, तो हमने जाके वो अटेंड की और हमने भरपूर तरीके से उनको बताया जो मिनिस्टर आए हुए थे कि हम जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, हमारी जो सतून है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, यानी वो जो हुकूमत आपसे बात करने का कह रही है, उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया था, आपको चाइनीज एम्बेसी ने बुलाया था। जी, हमें उन्होंने दरख्वास्त की थी आज और कुछ दिन पहले भी हुकूमत की तरफ से भी था। अच्छा। आई रिक्वेस्ट जो एम्बेसी की तरफ से जब रिक्वेस्ट आई तो हमें बड़ा वाजे हो गया कि हमने ये अटेंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये सियासत से बढ़ के इशू है। और हमारा बड़ा मौकफ क्लियर है पीटीआई का कि हमारे लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक सतून है जो हमारी रिलेशनशिप है और जो हमारी दोस्ती है चाइना के साथ, जो कि हिमालया से भी कहते हैं कि ज़्यादा मजबूत है, और उसको हम किसी सूरत में उसको जेपर्डाइज नहीं होने देंगे। इसलिए हमने, और बहरहाल सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो मौजूद थी आज इस चीज़ के लिए। तो जहाँ तक कौमी मुफाद का ताल्लुक है, वहाँ तो हम बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम कोई सियासत करनी है। लेकिन जहाँ तक हो रहा है जो पाकिस्तान में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसमें आपने तबसरे भी बहुत किए हुए हैं, वहाँ हम अपना दिफा करेंगे और हम भरपूर तरीके से जो हमारे बुनियादी हक है, जो कौम के बुनियादी हकूक हैं,
उनको हम उनकी हिफाजत करेंगे और उनकी उनके लिए कोशिश करते रहेंगे कि उन सबको मिले। अच्छा, आई रियली अप्रिशिएट दैट, जो जाहिर है कि आपने एक कदम उठाया है और हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं एज अ नेशन के जो हमें लीड कर रहे हैं, ख्वाह वो अपोजिशन में है, हुकूमत में है, वो कम अज़ कम आम आदमी का सोचें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बैरिस्टर साहब, जब आप लोग ये बात करते हैं कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, और फिर आप एहतजाज की कॉल की बात करते हैं, इवन जलसों की बात करते हैं, प्रोटेस्ट की बात करते हैं, हमें कहते हुए तो आप नज़र आते हैं, यानी मैं आपसे मुराद है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात कर रही हूँ कलेक्टिवली, लेकिन उस तरह इफ़ेक्टिव नहीं है ये, या उस तरह आप चीज़ों को जिसे कहते हैं ना उसका इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह वही तो नहीं है जो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे पीटीआई में शामिल हुए हैं इसलिए वो कामयाब नहीं होने दे रहे तहरीक को? देखिए, तीन मुख्तलिफ पहलू होते हैं हर रेवोल्यूशन के, हर इनकलाब के। एक तो होता है मॉरल विक्ट्री कि आपकी मॉरेलिटी किस तरफ है, वो हम जीत चुके हैं। दूसरा है कानूनी जंग, वहाँ भी हम तकरीबन जीत चुके हैं, सारे जो केसेस बनाए गए थे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते आ रहे हैं और वो अब थोड़ा वक्त रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर है एक सियासी पहलू भी हम जीत चुके हैं, क्योंकि जो लोगों ने मैंडेट दिया जब इलेक्शन हुआ तो वो हर कोई जानता है कि किसको उन्होंने चूज़ किया। अब चौथी चीज़ ये है कि उसकी जो प्रैक्टिकल उसकी स्ट्रीट पावर है, जो सड़कों पे आके राइटिंग करनी है या सड़कों पे आके जो जलसे जुलूस करने हैं या वो पावर शो करना है, ये जो तीनों मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं स्ट्रीट की। हम जा रहे हैं जलसों के लिए, हम लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये करने नहीं दिया जा रहा। आप देखें कि पंजाब में हमने आज कॉल की थी, पूरे पाकिस्तान में कॉल की थी बल्कि करेंगे, लेकिन सेक्शन 144 लग गया। तो ये जो हरबे हैं जो कि जमहूरी हुकूमत में नहीं होते ऐसी चीजें, ये सिर्फ डिक्टेटरशिप में होती हैं, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सॉरी कटिंग यू ऑफ हियर, मुझे सिर्फ एक छोटी सी और एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के बारे में आप मुझे बता रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर हमने हुकूमत से बात की तो हुकूमत चली जाएगी, ये वो हुकूमत के साथ बात करेंगे तो हुकूमत तो नहीं मानेगी कि भाई आप आ जाएं, आपका मैंडेट है और आप आके बैठ जाएं पार्लियामेंट में हुकूमती बेंचेस पे और हम चले जाते हैं अपोजिशन, ऐसा तो होने वाला नहीं है, वी ऑल नो दैट। तो ये जो इशारतन उन्होंने बात की है, आप मुझे क्लियर कर दें कि उन्होंने ये बात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की है कि हम उनके साथ बैठेंगे तो फिर ये हुकूमत चली जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है जो उनका जो कहने का मकसद, मैं चूंकि आज नहीं था तो मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी, लेकिन जो पहले बात करते रहे हैं उस पर वो बड़ी वाजे है कि हमारी एक कंडीशन है जिसकी आपने जिक्र भी किया कि आप मैंडेट वापस कर दें तो हम बात करने को तैयार हैं। आप जहाँ आपको ख्याल है कि इलेक्शन की धांधली हुई है वहाँ दोबारा इलेक्शन करा लें और फिर से लोगों के पास चले जाएँ, ये भी हमें मंजूर है। लेकिन ये चीज अगर वो हुकूमत मानती है तो फिर यकीनी तौर पे वो हुकूमत हट जाएगी, क्योंकि लोगों का मैंडेट तो पता है हमें सबको कि क्या है। तो उनका इशारा यही था कि अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारी कंडीशन आप माने, और अगर कंडीशन मांगते हैं तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, इसीलिए बात शुरू नहीं हो रही। इसीलिए हुकूमत कहती तो है जरूर कि हमने बात करनी है, लेकिन उसके बाद जो हरकत होती है, जो केसेस बनाए जाते हैं, जो लोगों को पकड़ा जाता है, जो प्रोसिक्यूशन हो रही है लोगों की, वो फिर उसका आपको नजर आता है कि वो बातचीत में सीरियस नहीं। अच्छा, इस पूरी सीन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पीपल्स पार्टी के साथ आप अपनी राय दीजिएगा मुझे, ज़ाहिर पार्टी में मुख्तलिफ आरा होती हैं, पीपल्स पार्टी के साथ अगर आपसे मैं पूछूँ जाना चाहते हों या चाहिए तो आप उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, पीपल्स पार्टी का भी एक्चुअली तो हकीकत यही है कि पीपल्स पार्टी भी इस ये हुकूमत में ही है। वो जरूर है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम हुकूमत में नहीं हैं और हमने कुछ पोस्ट नहीं ली काबीना में, लेकिन पार्लियामेंट को अगर आप देखें तो नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं। ट्रेजरी बेंचेस कौन से होते हैं? ट्रेजरी बेंचेस वो होते हैं जो हुकूमत या हुकूमत के हमायती हैं। तो अगर वो हुकूमत में नहीं भी हैं, हमायती हैं अगर, तो वो भी एक ही बात है कि वो उसके फायदे उठा रहे हैं और वो हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में नहीं तसव्वुर कर सकते?
देखें, सियासत में इवेंचुअली तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी नहीं कह सकता कि क्या होगा आज और क्या कल होगा। आप देखें, अगर आप हमारी हुकूमत देखें तो उस वक्त हम एमकेएम के साथ बैठे थे, उस वक्त और भी जमातों के साथ बैठे थे। आप अगर दोबारा देखें, वो तो बिठाए गए थे ना अली जफर साहब। जी जी, मैंने कहा वो तो बिठाए गए थे ना। जी, वो मैंने कहा कि जब वो जो भी है, तो सियासत में मैं कोई ऐसा हतमी आपको जवाब नहीं दे सकता कि हो ही नहीं सकता, लेकिन फिलहाल जो आज का वक्त है, जो आज का दिन है, उस पे तो मुझे मुमकिन नहीं नजर आता। अच्छा अली जफर साहब, लेट्स टॉक अबाउट द केसेस। मुझे बताएं कि खान साहब का जो ये जो इद्दत वाला केस है, जिसपे आज भी हमने देखा कि पेशरफ्त हुई, मुझे बताएं कि ये केस सजा खत्म हो सकती है इसकी, ये भी इसका भी हाल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बेहतर होगा खान साहब के हक में? 100% जी, इंशाल्लाह। और ये तीन केसेस हैं जिनको मैं बड़े गौर से देख रहा हूं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हूं। एक तो साइफर केस था, उस पे भी मैंने पहले शायद आपके प्रोग्राम पे भी और बाकी प्रोग्राम पे भी बड़ी बार बार कहा है कि वो खत्म हो जाएगा, और वो खत्म हो गया। इसी तरह जो तोशाखाना केस है, मैंने कहा था कि बिल्कुल कमजोर केस है, कोई जवाज नहीं सजा देने का, तो पहले दिन ही अदालत ने उसकी सजा जो थी मुतल कर दी। तो ये दोनों केसेस थे। अब इद्दत केस भी सिर्फ डिले हो रहा है, यानी कि उसमें ताखीर हो रही है, डेट पे डेट पड़ रही है, लेकिन जिस दिन बहस होगी, जिस दिन फैसला सुनाना होगा, तो वो फैसला यही होगा कि ये सजा खत्म है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ 190 मिलियन पाउंड अल कादर केस चल रहा है? जी जी, देखिए अल कादर केस में तो जो अभी तक आई हैं शहादतें, उसमें तो सारी की सारी शहादतें ये दिखाती हैं कि किसी किस्म का जुर्म नहीं हुआ, किसी किस्म का क्राइम नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो कानून और आईन के मुताबिक हुआ। तो और जो आने वाली शहादतें हैं, उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं मुझे नजर आती जो कि किसी किस्म का जुर्म साबित कर सके। तो वो भी यकीनी तौर पर कम अज कम फाइल के अंदर तो उनको सजा नहीं हो सकती और वो बरी होंगे। अब वो अलग बात है कि जिस तरह पहले नीचे मैनिपुलेट किया गया था और प्रेशराइज किया गया था, जज साहिबा ने गलत जजमेंट दे दी थी नीचे, वो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो नहीं, यानी आपको अभी भी शक है कि प्रेशराइज जज साहिबान को किया जा सकता है? जी देखिए, मुझे तो सामने देखा ना, मैंने जो इस तरह हुआ, जो तोशाखाना केस था और जो साइफर केस था, उसके अंदर तो लिटरली जज साहिबान ने वकीलों को कहा कि आप लोग बैठ जाएं। एक केस में तो वकीलों को बंद कर दिया गया कि आप जरा भी नहीं कर सकते, और अपनी अपने मर्जी के जज साहब ने दो यंग से वकील पेश कर दिए और उनको कहा कि आप जरा कर दें, और उन्होंने एक दिन में जरा कर दी सारे विटनेसेस की, और उसके बाद सजा सुना दी। तो इससे ज्यादा प्रेशर तो एक तरफ है, लेकिन क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द। और मैं आपसे अगर मैं एक जेनेरिक सवाल कर रही हूँ, टाइम फ्रेम का अगर आपको कोई अंदाजा हो, इस साल, अगले साल? देखिए जी, टाइम फ्रेम तो मुझे तो उम्मीद है कि महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि टाइम फ्रेम का पता नहीं चलता। मुझे तो ये ख्याल था कि इद्दत का केस पिछले हफ्ते से क्या पिछले महीने फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें होता रहा, तो टाइम फ्रेम का एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर। एक महीने के अंदर, यानी वो आप जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 5 साल तक बाहर आते नहीं आना चाहिए, वो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, 1-1.5 महीने में खान साहब बाहर आ जाएंगे? देखिए, उनका जो ये स्टेटमेंट थी, मेरा ख्याल है स्टेटमेंट उनको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे तासुर ये मिलता है जिस तरह के उनको कुछ पता है जो हमें नहीं पता, और वो एक एग्जीक्यूटिव साइड पे जुडिशियल फैसलों के ऊपर ये कह रहे हैं कि 5 साल तक वो निकलेंगे नहीं, तो ये तो साफ एक तरह से एक एडमिशन है, एक ख्वाहिश एडमिशन है, प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, इसलिए ये उनको कहना नहीं चाहिए था। उम्मीद ये है कि वो इसको विड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे स्टेटमेंट को, वरना उसका सीरियस उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ। वो सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जी 5 साल तक कोई निकलेगा, ये तो अदालतों का काम है,
और प्रोसिक्यूशन का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली जफर साहब। लेकिन मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। आपने भी कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिटिंग मिनिस्टर हैं आप लोग, कोई ऐसा इरादा रखते हो? साथ ये भी सवाल ले लीजिएगा कि खान साहब बाहर किसी डील के तहत तो नहीं आएंगे? नहीं, डील के तहत तो 110% नहीं आएंगे। ऑफर भी नहीं हुई कोई? वो बिल्कुल, वरना वो करना होती डील तो बहुत पहले हो चुकी होती। वो खड़े हैं, प्रिंसिपल पे खड़े हैं और प्रिंसिपल पे ही खड़े रहेंगे। और उनको तकलीफें तो हैं जेल में, लेकिन वो सारा कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हैं कौम के लिए, तो वो तो बड़ा क्लियर है। जहाँ तक एक्शन की बात है, मुझे एक्शन की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हुकूमत के एक काबीना के हिस्सा हूँ तो आपको परहेज करना चाहिए इस तरह की बातें करने से, और आपके खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। क्योंकि वो आर्टिकल 62 जो हमारा आईन का है, जिसके अंदर बड़ा वाजे लिखा है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरह आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो वो उनके ऊपर हो सकता है लागू हो जाए, हो सकता है। मोहतात रहना चाहिए अपने अपने बयानात को लेकर। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान। कायरा साहब ने, कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कायरा साहब, अच्छी बात है कि इत्तेफाक हो गया है सी पैक पे, एक पेज पे नजर आ रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स। मुझे बताएं कि आप लोगों के जो तहफ़ुज़ात थे बजट को लेकर, उस पर मीटिंग भी हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वज़ीर आज़म साहब के साथ, लेकिन नतीजा खैर साबित नहीं हुई है। तो आपके जो मुतालबात हैं, जो तहफ़ुज़ात है, नून लीग उसको मान तो रही है, लेकिन वो दूर क्यों नहीं कर रही? शुक्रिया जी। मैं पहले, इससे पहले कि मैं आपके सवाल के डायरेक्ट जवाब की तरफ आऊं, एक चीज मैं वाजे करना चाहता हूं। मीडिया के अंदर एक बहस को इस रंग में किया जा रहा है, खास तौर पे कुछ मीडिया के अंदर, कि जैसे पीपल्स पार्टी ने ऐन मुश्किल वक्त में बजट आया तो बजट के ऊपर आके अपना कोई अपना हाथ रोक लिया और कोई दबाव का मुजाहरा किया और कोई ब्लैकमेलिंग की है और कोई नाजायज मुतालबे शुरू कर दिए हैं और हुकूमत फांसी हुई है और पीपल्स पार्टी इससे नाजायज फायदा उठा रही है, ये एक तासर देने की कोशिश की गई है। मैं पहले तो बात इसकी मजम्मत करते हुए इसकी नफी करता हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं तो वो मुख्तलिफुल ख्याल जमातों के दरमियान होती है ना, हम ख्याल जमातें तो नहीं होती। मुख्तलिफुल ख्याल जमातें जब हुकूमतें बनाती हैं तो वो फिर कुछ बातें तय करती हैं आपस में, क्योंकि किसी एक का मंशूर तो सारा लागू नहीं होता, सो उसके अंदर कुछ चीज़ें आप तय करते हैं। हमने ये फैसला किया था कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन हम हुकूमत का साथ देंगे। तो आपको याद होगा कि हुकूमत बनाने से पहले, बनने से पहले हमारी आपस में कई मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में हमने कुछ बुनियादी असूल तय किए कि ये और फिर हमने वो लिखे, वो वायदा साइन कर लिया ताकि आइंदा कल को कोई गलत फहमी ना हो। और अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, अपने अपनी जगहों पे जमातों के है इश्यूज हैं, तो जो हमारी जमात की तरफ से उस बात को कई दफ़ा उठाया गया, पंजाब के हवाले से भी हमारी दो रुकनी कमेटी थी, दो रुकनी मुस्लिम लीग की, उनकी भी कई मीटिंग्स हुई, और जो हमारी मरकजी कमेटी थी उन्होंने भी मुस्लिम लीग के साथियों को ये इतला देते रहे कि जी आपके साथ जो बातें तय हुई थी वो, क्योंकि अमल दरामद नहीं हो रहा, बजट जो है वो फाइनल हो रहा है, बजट पे हमारी राह नहीं ली गई उस तरह, हमें ब्रीफ तो कर दिया गया लेकिन हमारी राह, हमारी इनपुट उस तरह नहीं ली गई, तो इस पर हमारे तहफ़ आते हैं, हमारी जमात के लोगों का, सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे एतराज थे, PSDP के हवाले से थे, तो हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है इसके भी बहुत सारा दबाव है चेयरमैन साहब के ऊपर, पार्टी का भी है, और नेचुरली ये नेचुरली होना था तो उसको एड्रेस किया जाए। अब जब बिल्कुल ही वो वक्त गुजर गया तो जमात ने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर चेयरमैन साहब को इस बात पे मजबूर किया और वो इस बात पे प्रिंसिपली एग्रीड थे कि यार ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। सो ये जो कुछ हुआ ये एक बैड टेस्ट हुआ, ये अच्छा होता कि ये पहले मामला तय कर लिया जाता, ये हमारी बातें सुन ली जाती और ये मीडिया के जरिए ये इस तरह की सूरत हाल ना बनती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर भी अपने चंद सीनियर साथियों को कहा कि आप जाइए स्पीच सुनिए, अब बजट डिबेट है तो बजट में लोग जा रहे हैं, तो स्पीच सुनने के बाद बजट के हमारे आपस में मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के कई अदवार हुए हैं, उसमें वज़ीर आज़म साहब और बिलावल साहब भी शामिल हुए हैं और उनके अलावा हमारी कमेटियां भी आपस में मिली हैं,
पंजाब के हवाले से जो हमारे तहफात थे इसके हवाले से हमारी जो दो रुकनी कमेटी है उसकी भी मीटिंग आज भी मीटिंग हुई है। तो इन मीटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं और इंशाल्लाह हमने इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना है जो बहुत गंभीर है। लेकिन बहरहाल आप अपनी जमाती सियासत को मुकम्मल तौर पर तो ये नहीं करते ना कि एक जमात के हवाले कर दी जाए और दूसरी जमात जो है वो बिल्कुल ही कुर्बानी का बकरा बन जाए। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से तल्ख बातें कुछ दोस्तों ने कर दी। वो होता है मेरे जैसे लोगों का कोई शौक होता है कि वो मीडिया में आके ज़रा टेढ़ी बातें करके पता चला जी फलां बंदे ने बड़ी तल्ख बातें की है, वो बड़ा अच्छा बड़ा तगड़ा बंदा है। उसके जवाब में हमारी तरफ से भी नेचुरली कोई मोहब्बत नामा तो नहीं आना था, यहाँ से भी सख्त तल्ख बातें आ गई। तो ये उसमें कुछ मीडिया के भी कुछ दोस्तों ने ज़रा मसाले वाले लगा दिए। तो ये एक बैड टेस्ट बना है, नहीं बनना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा अमल ये तो इससे तो निकल जाएंगे क्योंकि अब जो मीटिंग्स हो रही हैं वो फ्रूटफुल ही होंगी। लेकिन एक अच्छा ये भी हो जाएगा मुस्तकबिल के लिए कि आइंदा के लिए जो भी इकदामात होंगे वो प्रायर एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करके और उससे प्रॉपर इनपुट आ जाएगी तो आइंदा के लिए सबक सही ना होता तो अच्छा था। गालिबन आपका इशारा कर रहा साहब हनीफ अब्बासी साहब की जानिब है जो उन्होंने बात की और ये बयान तो ऑन रिकॉर्ड भी है। मुझे बताएं कि क्या ऐसा तो नहीं कि नून लीग पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा पीछे करना चाह रही है? मैंने तो यही अर्ज की कि कुछ दोस्तों के बयान गैर जिम्मेदाराना थे, नहीं आने चाहिए। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के बयान जिम्मेदाराना बयान थे। वजीर आजम साहब की तरफ से जिस बात का इजहार किया गया, राना सनाउल्ला साहब ने, हसन इकबाल साहब ने, याज सादिक, बहुत सारे दोस्तों ने अच्छी बातें की हैं। चले कोई तल्ख बातें हो गई, ना होती तो अच्छा था। दूसरी बात यह है कि वो इस वक्त हमें देखना यह है कि क्या हम किसी लड़ाई के मुतहम्मिल हैं। लड़ाई तो कभी भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जमाती सियासत बहरहाल उसका भी एक हिस्सा है। किसी एक जमात को अपनी सियासत नहीं बजानी, सब जमातों को ये हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं अगर तल्ख बातें करूँ माजी में जाने का, तो माजी हमारा तल्ख था। उन्होंने हमारे साथ क्या किया वो भी खुला खुली तारीख है, हमने उनके साथ क्या किया वो भी एक खुली तारीख है। लेकिन क्या आप उसी रवैये के साथ आज भी खड़े हो सकते हैं? आंसर इज नो। इसलिए कि सियासत अहद हाजर में लम्हा मौजूद में खड़े होके आप मुल्क के मसाइल का तजिया करते हैं और उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं। ये पार्लिमानी जमहूरियत दुनिया में जहाँ जहाँ है ये एक बड़ा रिवाज हो गया हमारे मुल्क में कि देखिए जी ये कल एक दूसरे को गालियां देते थे, फलान करते थे, पर्चे देते थे और आज ये एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। ये दुनिया में जहां जहां पार्लिमानी जमहूरियत है, हमारे जैसा निज़ाम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पे अगर किसी जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं होती तो फिर इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं और इत्तेहाद एक दूसरे की मुतहारिफ जमातों, एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ने वालों में ही इत्तेहाद होते हैं। और उस इत्तेहाद के लिए आप अपने अपने मंशूरों पे कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करके एक बेयर मिनिमम लेवल पे आके एडजस्टमेंट करते हैं। ये दुनिया में जमहूरी तजर्बा है, जमहूरी एक्सरसाइज है, इसको हम देते लेते और तरह है। माजी में तल्ख थे, हो सकता है कल फिर तल्ख हो, आज भी तो तल्खी की बातें हुई हैं। लेकिन माजी का सबक ये है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मियाँ नवाज शरीफ के पास जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आइडिया दिया था और अमल किया था, उस पर साइन किया था, आज उसकी देन इस मुल्क के अंदर ये कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमारे लहजों में वो तलखी सबके लहजों में नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा मुझे भी यकीन है कि होगा। आप भी यही यकीन रखिए कि इस पे अमल दरामद होगा क्योंकि हमने कोई नाजायज बात नहीं की और इंशाल्लाह इस पे अमल होगा और कोई डेडलॉक नहीं होगा। ये मुल्क डेडलॉक्स का मुतहम्मल नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले ही बड़े डेडलॉक हमारे लिए क्रिएट किए हुए हैं, हम अब किसी और डेडलॉक के मुतहम्मल नहीं हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो नून लीग सिंध में शहर मांग रही है और फिर आपका पंजाब में आप लोग शहर मांग रहे हैं, ये मामला कहां तक पहुंचा, कोई सिग्नल मिला? देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर पीपल्स पार्टी ये तकाजा कर रही है कि हमें पंजाब में वो स्पेस या हमारे साथियों को, हमारी जमात को जगह दी जाए, तो मुस्लिम लीग का भी तो ये हक है ना कि वो सिंध में हमसे हक मांगे। तो जो बात हम उनसे पंजाब में मांग रहे हैं उनको ना सिर्फ वो बात मुतालबा करने का हक है, उनको वो बात मिलनी भी चाहिए। जो वो हम कह रहे हैं कि हमें ये दिया जाए,
या हमसे मुआहदा हुआ था, अगर उस मुआहदे में नहीं लिखा हुआ इवन देन असूल के तौर पे हमें सिंध में उनको वो फैसिलिटी देनी ठीक चाहिए। है, लेकिन कारा साहब मुझे अब ये बताएं कि खान साहब का भी आज एक बयान जो है वो साफियों से गुफ्तगू हुई है वो सामने आया है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इस हुकूमत से मुज़ाकरात किए तो ये हुकूमत घर चली जाएगी, हुकूमत चली जाएगी। खाम ख्याली है उनकी या बात में कोई वजन है? वो ऐसी बातें करते रहते हैं इसलिए कि बहुत मुतनाज़ा बातें, क्योस क्रिएट करने वाली बातें, तसादम कराने वाली बातें और एक अनार्की की तरफ चीज़ें को लेके जाने वाली बातें करना ही उनके लिए उनका एक कामयाबी की दलील है। यही उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री से लेके आज तक है और उनके पास और रास्ता है भी क्या, और क्या करें? क्या वो ये कहेंगे कि अगर हम उनसे बात करते हैं तो मुस्लिम लीग की हुकूमत बड़ी मुस्तहकम हो जाएगी? ये तो नहीं कहेंगे ना, यही कहेंगे कि उनकी हुकूमत को खतरा पैदा हो जाएगा। वो इशारों के नायों में बातें करेंगे ताकि यह जिस तरह मैं और आप और एक सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? उस पर यूसुफ अगलानी साहब ने भी बयान दिया है कि वो पीटीआई के साथ अच्छे नहीं लगेंगे, हमारे साथ अच्छे लगेंगे, तो मुझे बताएं कि आप लोग क्या उसमें रोल प्ले कर रहे हैं उनको मनाने में? ये तो मुझे पता नहीं है, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूँ इस वक्त कि उनके साथ रबते की क्या सूरत है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी पुरानी दोस्तियां हैं, याद अल्लाह है, आज भी है, मुस्लिम लीग की भी है। तो ये तो गिलानी साहब ने जो बात कही है मुझे नहीं पता उसका पूरा तनाजुर क्या है, लेकिन बज़ाहिर यही बात है कि हमारे साथ इतना वक्त गुजरा है कि वहाँ उनके साथ बैठे हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान करा साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है इस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम के बाद इदारों के जवाल और इदारों में टकराव के कठिन मरहले से गुजर रहा है और ऐन यहीं एक और संगीन मसला पाकिस्तान को दरपेश है और वो है ब्रेन ड्रेन का, यानी पाकिस्तान के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले आला सलाहियतों और कमालात के मालिक नौजवान मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी सब्जेक्ट में एमफिल और पीएचडी करने वाले नौजवान मुल्क से बाहर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों में तेल डालने, ग्रोसरी स्टोर्स पर सब्जियां तोलने या टैक्सी चलाने और डिलीवरी बॉय बनने को पाकिस्तान में रहने पर तरजीह दे रहे हैं। हमारा नौजवान मायूस है, परेशान है, नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा है। आला तालीम याफ्ता नौजवान ठेला लगाने पर मजबूर है। मुल्क में नौजवानों के लिए मुलाजमतों के दरवाजे बंद हैं और जो मुलाजमत पेशा हैं उनके लिए अपनी महदूद तनख्वाह में गुजारा करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मुल्क की कुल आबादी का 64% हिस्सा 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। जिन नौजवानों ने मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करना है वो आज बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। गुज़श्ता बरस 2023 में 8,60,000 पाकिस्तानी नौजवान मुल्क से बाहर चले गए। इससे बढ़कर एक होशरुबा इंकशाफ ये हुआ है कि पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद करके बरतानिया ने गुज़श्ता साल 1,87,00,000,000 रुपये नाकाबले वापसी फीस की मद में कमा लिए, जबकि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानियों के शेंगन वीज़े मुस्तरद करके 99,46,00,000 रुपये से जायद रकम कमाई। हमारे नौजवान अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक के वीज़ों के लिए भी अप्लाई करते हैं और ये ममालिक सिर्फ पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद करके अरबों रुपए बटोर लेते हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसे आलमी मालियाती इदारों ने जंगजदा और संगीन तनाज़ात का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। हम एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं कि जहाँ तनख्वाहदार तबके से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है और हर साल बजट में तनख्वाह पर मज़ीद टैक्स आयद कर दिया जाता है। हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं कि जहाँ के नौजवान गवर्नमेंट कॉलेजेस से आवाम के टैक्स के पैसों से MBBS और इंजीनियरिंग करते हैं और फिर मुल्क में मुलाजमत ना मिलने की वजह से बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम नौजवानों जैसा कीमती सरमाया होने के बावजूद उनसे फ़ायदा उठाने और उनके लिए मुलाजमतें पैदा करने में नाकाम क्यों हुए?
और सबसे बढ़कर के मुल्क के नौजवानों की मायूसी कैसे खत्म हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपने वक्त निकाला। खाकान साहब, जाहिर है कि हम नॉर्मली आपके साथ इकोनॉमी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट एक टॉपिक रखे आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जो बरतानिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ पिछले एक साल में रिजेक्ट किए हैं, उससे 1,87 करोड़ रुपये से ज़ायद कमाए हैं, जबकि अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन की बात करें जो रिजेक्शन की हैं उससे 99,86,00,000 रुपए कमाए हैं ईयू ने। तो मुझे बताएं कि एक तरफ तो हम नौजवानों की को स्किल करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रेन ड्रेन बड़ा ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? परवा देखिए, बात तो यूं है कि पंको हर तरह से ये सोचना है कि जैसे हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करते हैं, अब जब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हमने इजरा किया तो ये 20 अरब रुपए पे था, आज वो 450-450 अरब पे चला गया है, अगले साल 550-600 अरब पे चला जाएगा। पर ये रियल रिलीफ नहीं है फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। रियल रिलीफ इज अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान, और इसकी जो गुफ्तगू है वो बहुत कम होती है पाकिस्तान में। यानी कि आपने कभी भी सुना है कि कोई कह रहा हो कि पाकिस्तान को हम एम्प्लॉयमेंट का गढ़ बनाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहते हैं हर तरह की? सो ये गुफ्तगू हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं, और इसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तानीज दुबई की बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तानीज रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने की बजाय जो कर सकते हैं वो पाकिस्तान में कारखाने लगाने के लिए इन्वेस्ट करें, वो पाकिस्तानी मैकेनाइज करें पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को, ताकि लोग वहाँ पर भी जाकर काम कर सकें जो पढ़े लिखे वाइट कॉलर जो लोग हैं। और पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो इस वक्त 50 साल हिस्ट्री का सबसे कम तरीन सतह पर चला गया, विच इज 13%। अब आप, आज ही मैं देख रहा था कि चाइनीज आए हुए थे डेलीगेशन, आप क्या इमेजिन करें कि चाइना का, यानी कि वो जो कमाते हैं उसका 30-35% हर साल इन्वेस्ट करते हैं, तब नौकरियां निकलती हैं, कारखाने बनते हैं। पाकिस्तान में हम 13% इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया बांग्लादेश ऑल 25-30%। सो ये गुफ्तगू ही नहीं हो पा रही कि इट इज अबाउट अपॉर्चुनिटीज। हर कोई बात करते हैं ना, I was just going through a report, तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के कि जहाँ पर इंडिया रैंक्स एट फर्स्ट, जब हम यूथ की बात करते हैं एक बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ पाकिस्तान रैंक्स 5th इस लिस्ट में। मतलब 59 मिलियन जो आपकी परसेंटेज है, 59 मिलियन का जो नंबर है वो यूथ पे कंसीडर्ड है। ये इतनी मायूसी क्या कोई बता नहीं सके, गाइड नहीं कर सके गवर्नमेंट पॉलिसीज है? साहिबा, एक तो बात यह है कि एक मुश्किल टॉपिक है, पर मैं फिर भी मेंशन कर देता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान को अपना जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसको संभालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम हर साल एक नया फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप 7 मिलियन बच्चे हर साल पैदा करें, उसमें बहुत से बच्चे जो हैं हमारे वो मैल न्यूट्रिशन में रहते हैं, 40% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि इस लेवल पे अगर मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग होगी तो आप इस काबिल ही नहीं है कि वो अपना रोल प्ले कर सकें। फिर तालीम का मयार देखें, इसी से आगे चलिए तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, और आगे चलिए हमारा बेशतर बच्चा, वो मेरे ख्याल है कोई आ खान ने एक टेस्ट कराया था, वो जो अपनी जमात के मुताबिक जो उसको आना चाहिए उसे कई जमातें पीछे खड़ा हुआ है। सो अगर आप इस सारे का जायजा लें और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमने शायद 200 के करीब यूनिवर्सिटीज तो खोल दी हैं, बेशतर में उस क्वालिटी की जो प्रोफेसर्स हैं, बेशतर में उस क्वालिटी की रिसर्च जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये पूरे जो हैं ये मीडिया से मिसिंग है। पॉपुलेशन ग्रोथ मिसिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिसिंग, तालीम का मयार मिसिंग, ये तो आते ही नहीं है। असल लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है किसी मुल्क की, फरवा, बड़ी क्लियरली आती है एफिशिएंसी और पैदावारी सलाहियत बेहतर करने से। पैदावारी सलाहियत सिर्फ इससे बेहतर नहीं होती कि मुझे सस्ती बिजली दे दें, जो हमारी इंडस्ट्री हर वक्त कर, वो रिसर्च एंड डेवलप करके एफिशिएंसी क्रिएट करने से होती है, वो नई प्रोडक्ट्स बनाने से होती है। आप तो टेक्सटाइल से निकल ही नहीं पा रहे। मैं आपसे एक छोटा सा और भी सवाल करना चाहती हूँ, मुझे बताएं खाकान नजीब साहब, जब हम पॉलिसीज बनाते हैं
गवर्नमेंट लेवल पे, मैंने पीटीए के दौर में बहुत सारे रोड शोज़ किए, नौजवानों के साथ जब गुफ्तगू करती थी तो वो मायूसी तब भी थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाएगा, इसलिए हम 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। वेयर डू यू थिंक कि ये कहाँ स्टैंड करती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि क्या आज हम जो क्रिएटिविटी है या जो नौकरियाँ बनाने का जो एक पाथ है, क्या उसमें बहुत पीछे रह गए हैं, क्या नहीं हो सकता? तो देखिए, बड़ी सादा सी गुफ्तगु इस तरह से है कि पाकिस्तान में 15 लाख से 20 लाख नौजवान जो है वो वर्कफोर्स को नया एंटर करता है। आपको हर साल इतनी नौकरी बनानी है। अगर आप 1% मुल्क में ग्रो करते हैं, 1% ग्रोथ होती है तो 4 लाख नौकरियां निकलती हैं। सो मिनिमम ग्रोथ हमारी 5 से 6% कंसिस्टेंटली हो तो जो ऑलरेडी लोग निकल रहे हैं हर साल वो अब्सॉर्ब होंगे। पाकिस्तान की पिछले 2 साल में क्यूमुलेटिव ग्रोथ 2% है, इसका मतलब है 8 लाख नौकरी भी मुश्किल से बनी है, पर इसी असना में 40 लाख नया यूथ जो है वो एंटर किया है। सो हमें ये गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी ना कि आखिर तरीका इनको एम्प्लॉयमेंट देने का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट पाकिस्तान को अपने मौके खुद पैदा करने। क्या मुझे बताएं कौन सा मुल्क है, मैं हमेशा कहता हूं कि चले आप इंडिया और चाइना को ले लें, नेबर्स हैं ना, मैं इसलिए हमारे नेबर्स हैं दोनों, मैं इसलिए इनकी गुफ्तगू। क्या चाइना किसी और मुल्क में गया था और उसको उसको कहा था कि आके हमारे तरक्की करो? ऐसा कतई नहीं हुआ था। मैं एक और छोटा सा सवाल आखिर में करना चाहूंगी, वक्त की किल्लत है। खाका नजीब साहब, मुझे आसान लफ्जों में बताइएगा और देखने वालों को भी कि कौन कौन सी चीजें करने से, हम अपने लेवल की बात करें, वी नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, हम इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, एक तो यह कि अपना माइंडसेट तब्दील करें और माइंडसेट ये बन करें कि पाकिस्तान में सरकारी नौकरी के अलावा भी नौकरियां हैं, एक बात। दूसरा माइंडसेट, जो जिनके पास पैसे हैं उनको ये तब्दील करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी को डिसइंसेंटिवाइज करें, ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। आप जूती बनाने की दुकान खोल सकते हैं तो उसी चप्पल को शायद दुनिया भर में बेच के आप क्रिश्चियन डियोर भी बन सकते हैं। पाकिस्तान का जो ब्रांड नेम है वो आपको कैरी करना है। तीसरी बात यह है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको ये सोचना है कि हमने उसको बहुत ही, जिसे कहते हैं, खास बच्चे की तरह पाला है आज तक, पर उसको हमने मतलब सस्ते लोन्स भी दिए, बिजली भी सस्ती रखी, पर आज उसको इनोवेट करना पड़ेगा ताकि दुनिया जो प्रोडक्ट्स मांग रही है ना उसमें जाएं। ये सनसेट इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल की हैं से तो दुनिया निकल गई है, और हुकूमत को रियलाइज करना पड़ेगा बाशिंदों के लेवल पे कि यार नीड टू पुल आउट ऑफ यू नो बीइंग इन ऑपरेशंस, और पॉलिसी की बेहतरी के लिए नॉलेज बेस्ड, डोमेन नॉलेज बेस्ड लोगों को लाएं। एक पूरे माइंडसेट की तब्दीली है जिसको हमें लाना है। सही, थैंक यू सो मच खाका नजीब साहब, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की इस पे और अपनी राय दी। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, जाते जाते एक बात जो है वो छोटी सी करना ज़रूरी है कि आप ये देखें कि यूरोपियन वीज़ा के लिए और बरतानवी वीज़ा के लिए जो रिजेक्शन हुए उसकी अमाउंट इतनी है, 1 अरब एक तरफ से है, 1 अरब से ज़ायद, और 99 करोड़ से ज़ायद एक तरफ है। तो अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका और दीगर, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कितने पैसे हम अपने मुल्क से भेज चुके हैं। तो खुदारा ये ब्रेन ड्रेन पहले नई चीज़ नहीं है, 70s में भी हो रहा था, 80s में भी हो रहा था, उससे पहले भी नौजवान बाहर जाते थे, मगर मायूसी के साथ बाहर जाना एक एक अलग चीज़ है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने बच्चों को जो है वो चीज़ समझाएं कि ये मुल्क है, इसमें बिजनेस करें, पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान चीज़ प्रोड्यूस करें, उसे बढ़ाएं। बहरहाल कल फिर मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।